हाय गाइस, गुड हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज संडे है। आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है हमारे लिए, बिकॉज आज हम अपने घर में एक पूजा रखे हैं। अभी कौन सा पूजा है? रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जो कि श्रावण मास में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप सब जानते होंगे कि रुद्राभिषेक कितना स्पेशल पूजा होता है, कितना मतलब अच्छा पूजा होता है। और हम काफ़ी टाइम से प्लान भी कर रहे थे ये पूजा करने का, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा बिजी हो जा रहे थे। हाँ, और थोड़ा वेट भी कर रहे थे कि मतलब अभी जैसे श्रावण मास शुरू हो गया है, तो अभी इस टाइम पे पूजा करना, वो भी भोलेनाथ का पूजा करना, और इतना स्पेशल तरीके से, तो वो मतलब बहुत अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। क्योंकि बहुत टाइम से वेट करने के बाद फाइनली हमारा आज पूजा का दिन आ गया है, और हम मतलब भोलेनाथ का कृपा सब पे बना रहे और हम पे भी बना रहे, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं आज। सो चल के थोड़ा सा प्रेपरेशन दिखाते हैं जो अभी तक हमने किया है। जैसे हम नहा के ही आए हैं, और मैं कुछ कुछ खाना बना रही हूँ, जो आज सात्विक भोजन होता है, जिसमें लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, तो वो उस तरह का खाना बना रहे हैं पहले हम। उसके बाद पंडित जी 11 बजे आने को बोले हैं, तो 11 बजे तक वो आ जाएंगे, फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। और हाँ, ये ड्रेस में हम पूजा नहीं करने वाले ये जस्ट नहा के अभी हम थोड़ा घर का काम कंप्लीट करना था, इसलिए ये हमने ऐसा पहना है। बाकी आप उस टाइम देखोगे कि हम थोड़ा पूरा ही एथनिक वेयर पहन के और कर रहे पूजा। और खाने का प्रेपरेशन आपको दिखा देते हैं। सो हम मटर पनीर बनाने वाले हैं ना। हाँ, मटर पनीर बना रहे हैं, वो भी बिना प्याज लहसुन के, तो वो अभी इन प्रोसेस है। और खीर मैंने बना लिया है, और ये मैंने रेडी किया था डो पूरी के लिए। पूरी के लिए इसमें क्या है? वो ऑयल है जिसमें हम पूरी तलने वाले हैं। अच्छा, ये सिंघाड़े का आटा का हलवा है। ये सिंघाड़े का आटा का हलवा, वाटर चेस्टनट फ्लावर का हलवा। सो अपने घर में फर्स्ट टाइम ही है जो हम कोई पूजा रख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें प्रेपरेशन का भी आइडिया नहीं था। सो हमने अपने पेरेंट्स से भी एडवाइस लिया। अनफॉर्चुनेटली वो लोग कोई यहाँ पे नहीं आ पाए, बिकॉज कोई कोलकाता में है, कोई रांची में है। सो हमने कुछ अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, फ्रेंड्स एज इन आरपी की सिस्टर। हाँ, फ्रेंड्स नहीं। सो आरपी की सिस्टर है, हाँ, वो भी पुणे में ही रहती है, तो उनको हमने इन्वाइट किया है। फिर हमारी नेबर आंटी है, उनको हमने इनवाइट किया है। और हम लोग तो कितना, दो तीन लोग, तीन लोग हैं हम लोग। सो छोटा सा पूजा हम लोग घर पे करने वाले हैं। और आप भी अगर अपने घर पे ये प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा उसका, प्रेपरेशन से लेके पूजा कैसे मतलब होता है, क्या क्या चीज़ें लगता है। अभी हम आपको और ज़्यादा दिखाएंगे, जो शिवलिंग और जो पूजा का कुछ कुछ सामान जो हमने लिया है वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ, बट अभी हम वेट कर रहे हैं थोड़ा क्लीनिंग का। हाँ, अभी थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए तो फिर इसको हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। और हमने अपने हिसाब से तो ये मतलब हॉल का एरिया क्लियर किया है, बट एट दी एंड पंडित जी आएंगे, फिर वही बताएंगे कौन सा डायरेक्शन में पूजा होगा, तो हो सकता है कि फिर ये सारा सेटअप हमें थोड़ा चेंज करना पड़े। सामान हमें बोला गया था और क्या क्या हमने खरीदा और इसका बजट कितना था। सो स्टार्टिंग विथ, हमें फर्स्ट चीज़ जो बोला गया था वो था फ्रूट्स, वो भी पांच टाइप का। सो हमने एप्पल लिया, गोवा लिया, और ये नाशपाती, और बनाना एंड अनार। सो ये फ्रूट्स हो गया। और उसके बाद था मिठाई। सो मिठाई हमने
ये 1 किलो मोतीचूर का लड्डू मंगाया है अपना फेवरेट स्वीट शॉप से। बजट हम लास्ट में बताएंगे वीडियो के एंड में। और नारियल पानी पंडित जी ने 1 ग्लास बोला था, तो हमने 3 ले लिया है, जितना में भी 1 ग्लास हो जाए। एंड मिक्स फ्रूट जूस, सो ये हमने रियल फ्रूट जूस ले लिया। और उसके बाद था 5 लीटर दूध, सो ये हाफ लीटर का पैकेट जो है ये हमने 10 पैकेट ले लिया है। एंड दही 250 ग्राम्स, सो दही हमने ये 400 ग्राम्स का जो पैकेट आता है वो हमने लिया है, जितना लगेगा उतना पंडित जी यूज़ कर लेंगे। और घी 500, तो ये जो बकेट आता है 500 ग्राम्स का या ml का। गन्ने का रस 500 ग्राम्स, सो ये 1 लीटर का हमने शुगरकेन जूस ले लिया। आप ये जो फ्रूट जूसेस है ये आप डायरेक्टली अगर आपके घर के आसपास कोई शॉप है जहां फ्रेश निकाल के देते हैं आप वहां से भी ले सकते हैं। एंड सरसों का तेल 200 ग्राम, सो ये हमारे घर के पास एक पूजा स्टोर है वहां पे हमें मिल गया। ऑनलाइन तो या स्टोर में भी 200 ग्राम्स का मिलता नहीं है, बट ये पूजा स्टोर में हमें मिल गया। एंड चौकी, सो ये चौकी अगेन हमें वो पूजा स्टोर से ही मिला, सुगंधालय से, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस। आप देख सकते हो कितना अच्छा है ये, इसका बिल्ड क्वालिटी, और ये सिर्फ 500 रुपीज़ का। उसके बाद थाली, सो थाली हमें 4 थाली चाहिए था, वो हमने यहाँ लिया है पतीला। सो एक पतीला ये हो गया, एक पतीला ये हो गया, 2 पतीला चाहिए था परात, परात क्या था? ये क्या, अच्छा, सो ये हमने परात तो नहीं है बट हाँ, बड़ा थाली है, परात टाइप का कुछ है ये। और उसके बाद कटोरी 8, सो कटोरी के लिए हमने ये वाला स्टील कटोरी भी लिया है। और पंडित जी से हमने बात किया कि वो जो प्लास्टिक का जो दोना आता है वो हम ले सकते हैं, तो उन्हें बोला कि ले सकते हैं बिकॉज इसमें शायद उन्हें कुछ पूजा का सामान रखना है, तो ये हमने एक पैकेट ले लिया। और हमने ये मतलब प्लेट्स भी लिया जो पत्तल होता है, और ये कुछ सिक्का हमने रखा है जो पूजा में लगता है। एंड लोटा, लोटा कहाँ है, अच्छा लोटा, 2 लोटा चाहिए था, सो एक ये जो हमारे घर पे ही था, एक छोटू है और एक और ये विथ नॉजल। हाँ, सो ये हो गया। और फाइनली आपको जो पूजा का जो मेन हीरो है उससे आपको मिलाते हैं, ये भी हमने कल ही लिया है वही पूजा स्टोर से। ये शिवलिंग का आपको प्राइस बताते हैं, ये बहुत हैवी है, पत्थर का है, और ये शिवलिंग हमें पड़ा, और ये साइज़ भी आप देख सकते हो अच्छा खासा, मतलब आई थिंक ये रफली 6 इंचेस टॉल होगा ये। सो ये हमें पड़ा 750 रुपीज़ का, आई थिंक 850 इसका MRP था और इस पर कुछ डिस्काउंट था, उसके बाद हमें ये 750 रुपीज़ का शिवलिंग पड़ा। और ये वहाँ पे मतलब सबसे बड़ा ये साइज़ था और हमें ये बहुत अच्छा लगा तो हमने ये ले लिया। हमारे घर पे भी है एक शिवलिंग, वो छोटा सा साइज़ का था, सो हमने सोचा कि पूजा के लिए ये बड़ा शिवलिंग ले लेते हैं। सो अब हम वेट कर रहे हैं पंडित जी का आने का, 10:45 हो गया है, 11 बजे का हमें टाइम दिए हैं, तो 11 बजे तक वो आ जाएंगे, अपने घर से निकल चुके हैं। सो ऑलमोस्ट सारा सामान आपको दिखा चुके हैं, और पूजा का जो कुछ कुछ सामान है वो पंडित जी खुद लेके आने वाले हैं, तो उनसे हमारा बात हो गया था इस बारे में। सो अब हम जा रहे हैं तैयार होने, हमें भी 15 मिनट लगेगा रेडी होने में, और उसके बाद फिर 11 बजे से पूजा शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा और पूजा से रिलेटेड सारा डिटेल्स आपको देंगे। एक चीज़ रह गया जो लिस्ट में नहीं लिखा हुआ, बट हमने सोचा कि चौकी पे ये येलो कपड़ा बिछाने का या फिर ये रेड कपड़ा, दोनों है हमारे पास, सो जो भी लगेगा उस पर हम बिछा देंगे। और पूजा का पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, और जो बजट होता है, मतलब अगर आप ये पूजा प्लान कर रहे हो तो एक बजट आपके माइंड में रहता है, 5,000, 10,000, 15,000 जो भी है, तो वो हम आपको कॉस्ट वीडियो के एंड में बताते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चला
तेरे नाम की जोत ने सारा लिया था मस मेरा। ओम देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि तथान्तरगते रक्षाबन्धनम् हस्ते अक्षता पुष्पमादाय रक्षाबन्धनम् कुर्यातः। दानेन्द्र महाबल तेन तवा प्रतिवदनामीराचेमाचलमाचल ओं मर्वाणि देवर्वणाजा दयानि सोमस्तवा पिछितो सोमस्तवा राजा मृत्यु राजामृते नानुवस्तां मा पुरोर्वरीयो वरुणस्ते क्रीडोतु जयन्तन्तव नु देवां मदन्तु तदनन्तरगदेनः सङ्कल्पं कुर्यात् हस्ते अक्षत पुष्पपुङ्गीफलानि द्रव्यचादाय। श्रीमद भगवतो महापुरुष श्रिया अत ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्मू दीपे भ्रतखंडे आर्यावर्तैक संशयः। ओम हरे ओम जजाग्रतो दूरमुदये तथैवैति दूरं गमन् ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सङ्कल्पं सिद्धिरस्तु तथान्तर्गतेनः। ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा भवन्तमानस्तजासास्ते जजमानो हव्रीहेतहेडमानु वरुणे हवोद्धर्षणं शमान आयुः प्रमोदिः। ॐ हरे ॐ जडानां त्वा गणपति गुङ्घवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुङ्घवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुङ्घवामहे पशु मम अहं जानि श्रीकर्मदां मा गायत्री दृष्टु जगद्यानुष्टुपङ्क्त्या सह बृहतु श्रिया सहस्तो मा सह छन्दस आवृतः सह प्रमाणिकयः सप्तदैव्याः पूर्वेखां बन्धा मनुदृश्यधीर
शिव संकल्पमस्तु जे नशु मणिजन्ये खुदीरा जद पूर्व यक्षमत प्रजानत जायाश पूर्ख पाद सभा भूतान त्रिपाद श्यामृत देह त्रिपादुर्भुदुर्ग पादो से हावत्न ततो विग्वं विग्राम सनानसने अभी ततो विराड जायत विराज यदि पूर्वकः सजातो अधियर्जियत जो भूमिमतो पुरः तस्माजिन्या सर्वभूत संवृतं वृगराजम् ओम शिव स्वाहाग्निगुंहृदृदयाग्रेण पशुवर्णिघ्नेन भवजज्ञासर्वं मदस्नाभ्यामिजामन्यूनां महादेवमन्तः पार्श्वेनो ग्रन्देवं वर्धनिहो संज्ञनी कोष्याभ्यां मा उरं लोहितेन मित्रः सौम्रजेन्द्रो नेन्द्रं प्रगणेन मरुदो बलेन सद्या प्रमुदा भोज्य कण्ठं मुद्रस्यान्तः पार्श्वयन्देव देवस्य क्षर्मस्य वनुष्ठो पशु वनुष्ठो पशुपते पुरीतात लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा रोहिताय स्वाहा रोहिताय स्वाहा वेदभ्यः स्वाहा वेदभ्यः स्वाहा पागुंसभ्यः स्वाहा पाक्तमे विश्वञ्च मे महच्च मे क्रीडा च मे मोदच्छ मे जातं च मे जनिक्यमाणं च मे सुखं च मे सुखितं च मे जनेन कल्पन्तं सत्यं च मे सदा च मे जगत् च मे धनं च मे विश्वं च मे महच्च मे क्रीडा च मे मोद च मे जातं च मे जनिक्यमाणं च मे सुखं च मे सुखितं च मे जनेन कल्पन्तां मारीतं च मे मृतं च स्वेष्वं च मे नामयश्च मे प्रतिमोंच सुव्राम यगनो परित्राम बलमस्तु तेजः भगवते सांसदा शुभदेवताभ्यो नमो नमः यज्ञो पवित्रं समर्पयामि सुख
करता दुख हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता यो महाराज। हर महादेव कर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक, प्रणमाक्षर के माते ओ माक्षर के माते। सो फ्रेंड्स, हमारा पूजा फाइनली कंप्लीट हुआ, फाइनली और बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छे से पूजा हुआ। अभी सब कुछ मतलब कंप्लीट हो चुका है, सबने खाना भी खा लिया है, पंडित जी ने भी खाना खाया और वो निकल गए, उनको कहीं और जाना था पूजा कराने के लिए। और हम दोनों का भी आप देख सकते हो शक्ल, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी होता है ना घर में जैसे कोई पूजा पाठ होता है ना, तो घर का जो इन्वायरमेंट है ना वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। वो खुशबू, वो हवन का, तो सारा कुछ हवन का भी सब कुछ हुआ। हवन हमने सोचा था कि हवन नहीं कराएंगे शायद पंडित जी, बट हवन का भी सारा अरेंजमेंट, सारा प्रिपरेशन करके आए थे पंडित जी। पूजा तो बहुत अच्छे से हुआ और आपको दिखा देते हैं। सो यहाँ पे शिवलिंग है जहाँ पूजा हुआ है, और ये सब कुछ, ये कलश जो रखा हुआ है नारियल उसके ऊपर, और ये प्रसाद, और ये जो दूध और तेल घी जो जो मतलब चढ़ा था पूजा के दौरान, सो ये सब कुछ है यहाँ पे। और ये सब सामान जो है वो हम आज तो नहीं उठा सकते हैं, ये हम कल क्लियर करेंगे। हाँ, कल उसका विसर्जन कल होगा। उसके लिए भी कल सुबह उठ के जल्दी जल्दी, और हम लोगों को कुछ कुछ पंडित जी ने बताया है कि कुछ सुबह कुछ अक्षत और ये सब चढ़ाना है, और उसके बाद फिर विसर्जन के लिए सारा कुछ समेटना है। तो अभी हमने ऐसे ही इसको रहने दिया है, कल सुबह हम इसको अच्छे से समेटेंगे और क्लियर करेंगे। और अब बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये पूजा में जो मतलब जो भी कॉस्ट लगेगा अगर आप घर पर रुद्र अभिषेक कराते हो पूजा, तो हमारा ओवरऑल जो खर्चा है वो था 14,000 रुपीज़, जिसमें जो पूजा का सामान हो गया, फल हो गया, फ्रूट्स हो गया, और मैक्सिमम यही सब कुछ ना। हाँ, क्योंकि इनिशियली मतलब क्या होता है, बहुत जैसे हर किसी का मतलब हर किसी के यहाँ पूजा का सेम कॉस्ट होगा ऐसा हम नहीं कह रहे, वो वेरिएशन हो सकता है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारा सामान नहीं था तो हमें खरीदना पड़ा। अभी जैसे आपके घर में शिवलिंग होगा, आपके घर में अगर चौकी होगा, आपके घर में और कुछ सामान जो होगा, तो उसके लिए आपका कॉस्ट नहीं जाएगा। और हमारा क्या था, सब कुछ हमने खरीदा था, शिवलिंग हमने खरीदा, चौकी हमने खरीदा, ए टू जेड सामान हमने खरीदा है, इसलिए हमारा कॉस्ट ज्यादा लगा है। और मेन सिटी पे भी डिपेंड करता है, आप किस सिटी में रहते हो, वहाँ का क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कैसे वहाँ पे क्या चीज कैसे मिलता है, वो हर जगह का डिफरेंट होता है। तो हमारा यहाँ पे पुणे में ये कॉस्ट गया है पूरा। और दूसरा चीज ये भी कि देने वाले वही हैं, तो उनके ऊपर खर्च क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे क्या मतलब है, देने वाले तो वही हैं, वो जितना देंगे उतना हम कर पाए, उतना हम को मौका दे, बस यही तो हमको चाहिए, यही तो हम भगवान से बोले ना, सबको अच्छे से रखे, सबको स्वस्थ रखे, मेहनत सबको कराए, मेहनत करने में कोई पीछे ना आटे, हमारे पेरेंट्स हमारे फैमिली को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और ये पंडित जी भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, ये हमारा उनके संग सेकेंड एक्सपीरियंस था, सेकेंड पूजा था। एक पूजा उन्होंने हमारी सिस्टर का जो गृह प्रवेश हुआ था तो वो कराया था, तो वहाँ से इनको मैंने हम लोग देखे थे, इनका पूजा करने का स्टाइल सब कुछ बहुत अच्छा हमें लगा था, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप कुछ भी पूछो, और बहुत अच्छे से रूल रेगुलेशन भी समझाते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि ये क्यों कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो ये अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको इनका कांटेक्ट अगर आपको चाहिए होगा, जस्ट इनकेस अगर आपको घर पे आप कोई भी पूजा कराना है, तो ये सभी प्रकार का मतलब पूजा करते हैं, तो अगर आपको इनका इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इनका कांटेक्ट डिटेल्स आपके संग शेयर कर देंगे। सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। हाँ, और मैंने खाना अच्छा बनाया था, नहीं खाना सच में बहुत टेस्टी था, बट तुमने तो सिर्फ दो ही चीज़ खाई, खीर तो खाया ही नहीं। खीर नहीं खाया बिकॉज मैं शुगर अभी अवॉइड कर रहा हूँ।
तो खाना भी बहुत अच्छा लगा, जो भी गेस्ट आए थे उन लोगों ने भी बोला कि खाना अच्छा है, जबकि कोई मतलब इसमें क्या ऐसा आप झूठा नहीं कर सकते हो, प्याज लहसुन नहीं डाला है, तो अच्छा बना था खाना और सब कुछ बहुत मतलब सही था, जैसे नमक जितना होना चाहिए, चीनी जितना होना चाहिए, ये सब। तो ठीक है, मैं अपना बड़ाई खुद ही कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड तो बड़ाई करेंगे नहीं। बड़ाई करने की बात नहीं, तुम सच में खाना तो अच्छा बनाते हो, इसमें कोई, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को सुनना भी अच्छा, वो तो अच्छा हुआ कि मतलब आटा मैंने वो किया, गूंद दिया, सान दिया, जो भी, बट पूरी का बड़ाई कोई नहीं किया, खैर जो भी है, पनीर मैंने कट किया था, बाकी मसाला वसाला इसने किया, लेकिन पनीर जो जिस हिसाब से कट हुआ था मेरे ख्याल से वही था डिफरेंस। अच्छा है ना, हम दोनों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, तभी कुछ चीज पॉसिबल होता है और तभी कुछ अच्छे से पॉसिबल होता है। और मेरे पास गमछा नहीं था तो मैंने भी ओढ़नी लेके बैठा था और इसने भी ओढ़नी लिया था। मेरा भी एक्चुअली मतलब तुमने मुझे बताया था ना कि खाली बस वो ना कोई भी करेगा ऐसे ही खड़े रहेंगे लेके हम लोग ऐसे, तो मुझे लगा कि फिर इसलिए मैंने अपना चुन्नी भी नहीं निकाला शादी वाला, और इसका भी कुछ वैसा जो होता है ना गठ जोड़ वाला जो लेते हैं वो भी नहीं निकाला, तो मैंने इसी का ओढ़नी पहन लिया था, तो हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। पंडित जी बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव थे, सो सब बहुत अच्छे से हो गया। पंडित जी एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं चेंज करने और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए कुछ चीज़ों के साथ। अभी देखते हैं क्या, अभी तो हमारा घूमने का भी पूरा स्टॉप हो गया है, अभी एक दो वीक से हम जा ही नहीं पा रहे कहीं पे, बट ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर अ चेंज हम लोग ये व्लॉग डालने वाले हैं, एक हमारा अलग एक्सपीरियंस। और ये व्लॉग आज ही मतलब अपलोड हो जाएगा, सो इवनिंग तक मैं अराउंड 8 PM तक इसको अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय बाय।